प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात की। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अवार्ड को वह भारत के नागरिकों को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति को अपनाया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान यहां शांति पाठ भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कहा कि यह अवार्ड महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मिल रहा है, यह काफी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें सम्मान के साथ जो राशि मिली है वह उसे नमामि गंगे के फंड में भेंट करना चाहते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने जमीन पर बड़ा काम किया है। पीएम ने इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन खातों, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आतंकवाद दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना है। इससे लड़ने के लिए दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। आतंकवाद की बीमारी विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध में मारे गए 165,000 कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कोरिया की नई दक्षिणी नीति का तालमेल हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत देने का मंच प्रदान करता है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पेज punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।